हिब्रस मायरा पेज संख्या 296 296 पुस्तक प्रेम रस मायरा मिलन माधुरी पेज संख्या 296 पद संख्या 47 47 लखी इन नैनन मृदु मुस्कान। एक सखी कह रही है कि जब से मैंने अपनी आँखों से श्याम सुंदर की मुस्कान को देखा है तब से बिसर गई तनु की सुध सिगरी लखतई श्याम सुजान। मैंने इन आँखों से श्याम सुंदर की मुस्कान को देखा है और जब से देखा है तब से बिसर गई तन की सुधि बिसरी मुझे अपने शरीर की सुध बुध सब भूल गई है। भाज गई सब साज बाज ले लोक लाज कुल कान और तब से लोक वेद कुल की जो लज्जा है वो अपना साज बाज लेकर भाग गई है। देखो संसार में लोगों को क्या चिंता होती है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसमें ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और जबकि श्री महाराज जी बताते हैं इस संसार के लोग किसी प्रकार से नहीं छोड़ते क्योंकि दो पार्टी हैं, एक अच्छी एक बुरी। कोई भी अच्छा कार्य आप करेंगे तो बुरी पार्टी आपकी खिलाफत करेगी और बुरा काम करेंगे तो अच्छी पार्टी आपकी खिलाफत करेगी। तो किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते। तो यहाँ गोपी कहती है कि मैंने लोक लाज को उठाकर ताक पे रख दिया है। वो कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कहे को कहे लंकनी कलंकनी कुनारियों। कोई कुछ भी कहता रहे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अपने श्याम सुंदर से प्यार करना। तो कह रही है जब से मैंने श्याम सुंदर की मुस्कान को देखा है तब से मैं शरीर की सुधबुध खो बैठी और लोक लाज लोक वेद कुल की जो मर्यादा है उसकी लज्जा को भी मैंने छोड़ दिया है। वो अपने सारे साज बाज लेके भाग गई है। जित देखूं तब तित दीखत सोई मुस्कान नान। अब मैं जिधर भी देखती हूँ उधर केवल वही मुस्कान ही दिखाई देती है श्याम सुंदर की। नैन ना रसना रसना नैन ना के ही विधि करो बखान। जिन आँखों ने श्याम सुंदर की मुस्कान को देखा उसके वाणी नहीं है और वाणी के आँख नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से उसका मैं अपनी वाणी से बखान नहीं कर सकती श्याम सुंदर की उस मुस्कान का। अब कृपालु इक काम याम वसु श्याम नाम गुणगान। श्री महाराज जी के शब्दों में वो गोपी कह रही है कि अब तो मेरे पास दिन रात बस एक ही काम है, क्या श्याम सुंदर के नाम और गुणों का गान करना, उसी से वो प्रसन्न होंगे। तो बस अब यही एक काम रह गया है मेरे पास जब से मैं उनकी हो गई या उनकी मुस्कान को मैंने देखा है। ये इस पद का भावार्थ है। आवाज को
Thank you.
कृपालु एक काम
मेरी को मुस्कान।